अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टैबलेट। तो टैबलेट में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पैरेंटल प्रोडक्ट्स की। तो हमने इसमें बात की थी पैरेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट में हमने बात की थी ओली सोल्यूशन के बारे में, एक्वो सोल्यूशन के बारे में, ओली सस्पेंशन के बारे में, एक्वो सस्पेंशन के बारे में, इमल्सन्स के बारे में और क्लोराइड सोल्यूशन के बारे में एंड सो ऑन। फिर हमने बात की थी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बात की थी जैसे आईवी में क्या होता है, मतलब इंट्रावेनस की बात की थी, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर की बात की थी, इंट्राऑक्युलर की बात की थी और इंट्रा स्पाइनल और इंट्रा आर्टेरियल एंड सो ऑन की बात की थी। फिर हमने इसमें बात की थी फॉर्मुलेशंस की। फॉर्मुलेशंस में हमने बात की थी उसमें एडिटिव्स की और व्हीकल्स की। तो अब हम बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे हम टैबलेट की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टैबलेट होती क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं टैबलेट की। सबसे पहले जानते हैं टैबलेट होती क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं टैबलेट, जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, तो ज़्यादातर जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो टैबलेट की फॉर्म में ही प्रिस्क्राइब करते हैं हमें। जैसे कि आपको पता है कि क्या होती है टैबलेट, क्या है कि सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होती है, मतलब क्या है सॉलिड मतलब ठोस होती है, और क्या होती है यूनिट मतलब सिंगल डोसेज फॉर्म में होती है, तो उसे हम टैबलेट कहते हैं। जैसे कि आइए बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो टैबलेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग अ मेडिकामेंट और मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट एंड एक्सीपिएंट्स। इसने क्या कहा कि टैबलेट क्या होते हैं सॉलिड होती है, मतलब ठोस होते हैं, एक यूनिट मतलब सिंगल होती है और डोसेज फॉर्म जिसके पास क्या होती है कंटेनिंग जो रखती है मेडिकामेंट और मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट, मतलब क्या उसके अंदर मेडिकामेंट होते हैं, मतलब मेडिकामेंट मतलब जो हमारा मेन ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेडिकामेंट कहते हैं, जिसको हम एपीआई भी कहते हैं। तो मेडिकामेंट और मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट मतलब क्या, उसमें सिंगल मेडिकामेंट भी हो सकता है और कई ड्रग का मिक्सचर भी हो सकता है, उसको हम मिक्सचर हो सकता है। एंड एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट जैसे हमने बात की थी पहले लेक्चर में बात की थी, एक्सीपिएंट्स मींस एक्सीपिएंट्स आर अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच डू नॉट शो देयर फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक रिएक्शन, जो शो नहीं करते उसको हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं। तो फिर हम बात की थी इसमें और कंप्रेस और माउल्ड्स इनटू सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप एंड हैविंग आइदर फ्लैट और कन्वेक्स सरफेस। इसने क्या कहा, फिर क्या कहता है उसको मेडिकामेंट को और एक्सपीरियंस को मिला करके वो क्या कहते हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, मतलब दबाया जाता है मशीन वगैरह से। एंड माउल्ड मतलब माउंड का मतलब किस सांचे वगैरह में डाल करके जैसे सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप दी जाती है एंड हैविंग आइदर फ्लैट, या तो फ्लैट हो सकती है या वो कॉन्वेक्स हो सकती है। जैसे कि देखिए आप कि जो मेरे पास टैबलेट है ये है डाइक्लोफेनाक सोडियम। डाइक्लोफेनाक सोडियम की जो टैबलेट होती है जैसे कि देखते हैं कि शेप दे सकते हैं आप, ये क्या है ये पूरी तरह से फ्लैट है। और फिर हम बात करते हैं जैसे मेरे पास ये दूसरी टैबलेट है ऑफ्लोक्सासिन 200 mg। तो मतलब क्या है जो ऑफ्लोक्सासिन 2 mg की टैबलेट है वो क्या है वो कॉन्वेक्स सरफेस में, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। फिर बात करते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेज का मतलब जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, इससे क्या लाभ है हमारे लिए, है ना, ईजी टू एक्यूरेट डोसेज, मतलब क्या इसको लेने में ईजी है, मतलब क्या है अगर हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि हमको 200 mg लेनी है तो हम क्या एक सिंगल टैबलेट ले सकते हैं 200 mg की, तो क्या उसे हमें लेने में आसानी रहेगी। जैसे कि हम जो हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है तो उसको लेने में कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है कि जैसे हम क्या उसको मतलब मेज़र नहीं कर सकते कि अगर हम डॉक्टर ने कहा कि 5 ml लेनी है या 10 ml लेनी है तो उसमें क्या होगा उसमें मेज़र करने में दिक्कत आए। तो इससे क्या है ये इसका जो एडवांटेज टैबलेट का ये क्या है ये इजी टू एक्यूरेट, मतलब लेने में आसानी रहती है इसको। एंड गुड फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, मतलब इसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी क्या है, क्या भी कहा अच्छी रहती है, मतलब अच्छी है, मतलब जैसे कि क्या तो उसकी फिजिकल मतलब जो बाहर से अपीयरेंस वो देखने में और केमिकल स्टेबिलिटी मतलब क्या है लंबे समय तक ही चलती है स्टेबिलिटी। फिर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब क्या जिसकी जो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या होती है वो भी चीप होती है, कम होती है, सस्ती होती है। फिर बात करते हैं रिलीज रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट, मतलब कि कितनी ड्रग रिलीज हो रही है हमारी टैबलेट से जिसकी वजह से हमें क्या मिले रिक्वायरमेंट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, मतलब क्या कि कितनी अमाउंट ऑफ रिलीज ड्रग रिलीज हो रही है हमारी टैबलेट से जो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा शो कर सके। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में क्या है बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम बिकॉज दिस इंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन इज रिक्वायर बिफोर ड्रग इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। इसने क्या कहा कि मतलब जो उसके डिसएडवांटेज है उसकी जो खामियां रह गई वो क्या है बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम। इसमें क्या इसमें बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग और कितने रेट से ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में गई है उसको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी, मतलब अमाउंट एंड एक्सटेंट एंड रेट ऑफ ड्रग
रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको हम कहते हैं बायोबिलिटी। तो बायोबिलिटी प्रॉब्लम बिकॉज डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, लगा कि बायोबिलिटी प्रॉब्लम और होती है इन केस ऑफ टैबलेट में, क्योंकि क्योंकि मतलब इसमें अगर बायोबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो उस बायोबिलिटी से पहले क्या उसके डिसइंटीग्रेशन और उसका डिसोल्यूशन अच्छे से नहीं होगा। अगर उसका डिसोल्यूशन और उसका डिसोल्यूशन और उसका इंटीग्रेशन अगर अच्छे से होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा, और अगर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी आएगी। तो इस वजह से इसने क्या कहा कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। फिर बात करते हैं सॉलिड हैव इरिटेट इफेक्ट ऑन जीआईटी, मतलब क्या है कि सॉलिड जो सॉलिड टैबलेट होती है सॉलिड होती है, जैसे अगर पता है कि सॉलिड का क्या होता है इरिटेट इफेक्ट होता है ऑन किस पे जीआईटी, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे क्या होता है इसका इरिटेट इफेक्ट होता है, मतलब क्या कंफर्टेबल फील नहीं होता है। फिर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड टैबलेट, मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई टैबलेट है और हमें देखना है कि ये गुड है या बैड है तो उसकी क्या उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी हम बात करें इन क्वालिटी के बारे में क्या होना चाहिए। दे शुड बी एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म इन वेट, मतलब क्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्या है यूनिफॉर्म मतलब एक सारे जो हमारे पास क्या है अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 10 टैबलेट है तो सभी की टैबलेट का क्या वेट इक्वल होना चाहिए, उन सबका वेट एक्यूरेट होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, क्या कहते हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा वेट होना चाहिए। फिर बात करते हैं द ड्रग शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टैबलेट, मतलब क्या है कि अगर हमने कोई टैबलेट लिए 500 mg की तो अगर हमने उसका अगर हाफ पार्ट करें उसका तो मतलब क्या दोनों पार्ट में उसकी इक्वल अमाउंट ऑफ जो हमारा एपीआई है ड्रग है वो होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम 500 mg है और अगर हमने उसको इक्वल ब्रेक किया है तो मतलब 500 mg का हाफ हाफ मतलब 200 mg दोनों तरफ होना चाहिए, मतलब क्या होता है एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए पूरी टैबलेट के अंदर यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए। फिर द शेप एंड साइज शुड बी रीजनेबल फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसने क्या कहा फिर मतलब जो टैबलेट होती है उसका साइज उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लेने में क्या रहे इजी रहे। फिर क्या होते हैं द टैबलेट शुड नॉट बी हार्ड, उसने क्या किया टैबलेट क्या होनी चाहिए टैबलेट ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको इसका कंप्रेशन मतलब इतना हार्ड ना हो ताकि वो डिसोल्यूशन में या डिसइंटीग्रेशन में डिफिकल्ट हो, उसका क्या मतलब इतना हार्ड ना हो। फिर क्या है देयर शुड नॉट बी एनी इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब क्या होता चाहिए कि जो हमारे पास टैबलेट होनी चाहिए वो क्या होती है अगर वो किसी और किस मतलब किसी एक्सपीरियन के साथ मिला रहे हैं या किसी दूसरे मेडिकल मैन के साथ मिला रहे हैं तो उसे क्या होना चाहिए वो इनकम्पेटिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या ऐसी होनी चाहिए कि उनके साथ आसानी से मिल जाए और उनके साथ कोई रिएक्शन ना करे, तो क्या होनी चाहिए वो कम्पिटिबल होनी चाहिए ना कि इनकम्पिटिबल। तो थैंक यू गाइस, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ गुड्स के अदर पॉइंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो यू कैन कमेंट।